अच्छा सीखा कि अपने केक पर बोला अपना नाम नहीं लिखाना है, मुझे जय श्री राम लिखना है। यह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है कि यह हिंदू राष्ट्र अभी यह शुरू हो गया। एक बच्चे के मन में भी यही आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हमारा बेटा कहता है आपके आपसे आगे जाना है। तो पंडित जी विशेष ये जानना चाहेंगे कि न मोमबत्ती बुझाई आपने, न बच्चे का नाम पब्लिक में अनाउंस किया और चुपचाप जय श्री राम लिख के आपने केक काट दिया। कहते हैं राम और राम रा और माँ, राम में पूरी सृष्टि ही समाई है, जगत में ही राम है, तो मैं उनसे अछूता नहीं हूँ। मैं इसीलिए कहा कि और बच्चे का नाम जो भगवान ने मुझे श्रावण मास में भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनका नामकरण हमने शिवाय रखा है क्योंकि श्रावण के सोमवार में हुए हैं और इनका देव है वो शिवाय हैं, बेटी मेरी काव्या है, तो पत्नी का नाम दीपिका है, हमारा नाम सुरेश गुरु ओझा है, तो भगवान से ही संबंधित है, सब शंकर के ही परिवार हैं और यह महादेव की कृपा है, राम जी की कृपा है कि उनकी कृपा से यह सब हमारे जीवन में संभव हो रहा है। और जितने मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, भगवान से प्यार करने वाले हैं, मैं उनका जब तक जिंदा रहूँगा तब तक बहुत बहुत धन्यवाद देता रहूँगा और यही कहूँगा कि आप और हमारा प्रेम इस तरह बना रहे कि हम सभी ऐसे हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन धर्म को आगे लेकर चलें और अच्छे मार्गों पर अपने संतान को जरूर अच्छे संस्कार दें। देव आप कितने सावन देख चुके हैं अभी तक? अभी इनका एकादश हो गया है यानी 11 श्रावण हो गया और 11 हमारे हिंदू सनातन धर्म में शुभ होता है। इन्होंने 11 से शुरू किया कि जय श्री राम केक पर लिखना है और केक को वह जय श्री राम को काटना नहीं है, थोड़ा सा छूना है और अपना नाम नहीं लिखा है, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। पंडित जी बात की जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिल्म से लेके राजनेता से लेके हर कोई जुड़ा हुआ, कौन कौन सा मेन लोग आए थे नाम बताना चाहेंगे? जैसे फूल सिंह जी थे और स्मिता दुबे थी जो भाभी जी घर पर है सीरियल, और संजय भूषण पटियाला पीआरओ भोजपुरी हिंदी सिनेमा के बहुत अच्छे पीआरओ, भोजपुरी नाटन के हैं हमारे बहुत अच्छे, और समाचार पत्र भयंकर सत्ता के राजदेव तिवारी जी हैं, अरुण उपाध्याय जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। राजनीति में तो बहुत सारे लोग आए,
कितना गिनाएंगे हमारे पास तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे और आपके पास समय। सबसे पहला बधाई किसका आया? सबसे पहला बधाई आया हमारे मीरा भाईंदर के उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह जी आए थे और डीके पांडे जी मुंबई हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, महेंद्र पांडे जी हैं सो भूमि के पत्रकार हैं, कमलेश दुबे जी, पहला बधाई देने आप लोग ही आए। हमारे बच्चे को जब से पैदा हुआ, पैदा होने से पहले मैंने नारायण से कहा था भगवान अगर मुझे संतान हुआ तो वह जो है हमारे रास्ते चलेगा और हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए यानी श्रीमद् भागवत महापुराण, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाना है संगीत में ताकि हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जाए। बच्चे से बात करते हैं, आपका पूरा नाम क्या है? देव सुरेश चंद गुरु ओझा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। मम्मी का क्या नाम है? दीपिका ओझा। पंडित जी बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? भागवताचार्य। पंडित जी जो काम करते वही आप भी करना चाहते हो? हाँ। और किसी चीज में आपको रुचि नहीं है? नहीं। वजह क्या है? वजह मतलब ये है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं अपने केक पे जय श्री राम ही लिखवाऊंगा? अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया आपने? क्योंकि नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता। आजकल के जो आयु के जो बच्चे होते हैं वो अपना नाम लिखवाते हैं, बड़े होटल में जाते हैं और अलग तरीके से सुपर हीरो का नाम लिखवाते हैं। सुपर हीरो का नाम लिखवाते हैं। आपके सुपर हीरो जैसे नाम है? हाँ। फर्स्ट टाइम आपका हमको लगता है कि कैमरा फेस किया है, जो आपको जन्मदिन की बधाई दी है, जो मच गए उनसे क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। उपस्थित हुआ हूँ हमारे गुरुजी श्री सुरेश ओझा जी के निमंत्रण पे और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज ये इस बहुत ही शुभ मुहूर्त पे मैं यहाँ पे आप सभी के बीच में आया हुआ हूँ। और देव ओझा जी और शिवाय ओझा दोनों लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार से आप लोग विकास करते हुए आगे बढ़िए और गुरु जी का नाम रोशन करिए। आप जो है मीरा भाईंदर और देश का नाम रोशन करें, मेरा यही आशीर्वाद देता हूँ और गुरु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से इनका स्वभाव और व्यवहार है, मीरा भाईंदर क्या पूरे MMR रीजन मुंबई कल्याण थाना से लोग यहाँ पे आए हैं और आपके रिलेशन और जो संबंध इनका, इसके वजह से सब यहाँ पे आए हुए हैं बधाई देने के लिए। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को काम करता हूँ। मैं क्या बधाई देना चाहेंगे, आज सुरेश गुरु ओझा जी के बेटे का जन्मदिन है। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि एक तरफ गुरु जी के बड़े बेटे देव का बर्थडे है और साथ साथ उनके छोटे बेटे जिनका अभी सवा महीने के बाद आज नामकरण हुआ है और बहुत ही सुंदर नाम शिवाय, मतलब जैसे गुरुजी है भगवान के लिए पूरी तरीके से समर्पित, इनके द्वारा कहीं ना कहीं हम भी पूजा और आस्था से और ज्यादा हमारा भाव जुड़ता जाता है। मतलब एक बोलते ना सबसे बड़े निमित्त तो गुरु ही होते हैं और उन्हीं के अनुरूप उनके दोनों ही बेटों का नाम है, एक देव है और एक शिवाय है। तो उन दोनों की जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे और वो उनकी पूरी जिंदगी आनंद में और मंगल में रहे। पंडित जी ने आज एक अनोखा पहल चालू किया है, जय श्री राम के नाम का केक काटा है, बच्चे के नाम का नहीं, ना उन्होंने मोमबत्ती चाहिए। आजकल के युवाओं में वो बातें नहीं, आजकल के माता पिता में वो सब बातें नहीं है। देखिए मैं ये कहूंगी कि चारों तरफ ही बहुत ही मतलब जय श्री राम, यानी अयोध्या मंदिर की बोलते ना अभी सभी को इंतजार है जनवरी में जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो हर एक के दिल में वो कहते हैं क्या गांव का क्या हर बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो एक शुरुआत है कि केक पर मतलब वो जय श्री राम नाम रख के कि भगवान हमेशा बच्चों पर आशीर्वाद अपना बनाए रखे। जो युवा बच्चे हैं वो तो अपने नाम का ही केक रखते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं और तमाम बड़े बड़े होटल में जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या एक नया सबक है? देखिए मुझे लगता है हमें मेजोरिटी देखनी चाहिए,
जो लोग अभी कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे बदलेंगे, केक काटने का चलन भी धीरे धीरे बदलेगा, तो हर चीज का चलन बदल रहा है। आज से यहाँ से शुरुआत हुई है और भी कहीं पर ये चीजें बदलेगी। अभी आप देखेंगे लोग केक काटते हुए युवा भी तो बुझाते नहीं है, अब थोड़ा चलन बदला है। पहले लोग कैंडल जलाते थे, बुझाते थे, अब वो चीज नहीं हुई है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें बदलेगी। सुरेश गुरुजा जी, पिछले कितने सालों से आप दोनों का कॉम्बिनेशन कितने लोग अब जानते हैं और कैसे जानती है, पहली मुलाकात कब वही चर्चा हो रही थी हमारी चर्चा भी वही हो रही थी और भी वरिष्ठ जनों से, और वही हम बोल रहे थे कि सब संयोग होता है, बोलते ना एक योग लिखा होता है तब लोगों से मुलाकात होती है। मेरा यही बाजू में ही ऑफिस था और तब पंडित जी का वहाँ आना हुआ आशीर्वाद के रूप में किसी के द्वारा, और कहीं ना कहीं उसी वक्त एक अच्छी शुरुआत होने जा रही थी और उस अच्छी शुरुआत में हम एक साथ 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 हो गए। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के रूप में आज जो माहौल है, लोगों का साथ है, वो कहीं ना कहीं आज पंडित जी ने जिस तरीके से अपने व्यवहार से अपने ज्ञान से लोगों को जोड़ रखा है। पंडित जी एक ऐसे है जैसे खाना से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित जी अक्सर कई लोगों को लगता है कि नॉर्मली जैसे हम बातें सुनते हैं कि आप पंडित जी हैं तो मंदिर तक सीमित रहे या यू नो बस पूजा पाठ में रहे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हर इंसान अपने व्यक्तित्व के साथ उसका जन्म होता है। ईश्वर ने हर एक को अपनी अपनी विशेषताएं दी हुई हैं। कहीं ना कहीं पंडित जी की जो व्यवहार है, बात है, वो एक जनसंपर्क में बहुत ही विशेष है, विशेष है। इसलिए मुझे लगता है पंडित जी का सोशल लाइफ हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यक्तिगत हो, हर जगह उनका जुड़ाव है। तो कई लोग जो सोचते हैं कि उनको इसी सीमित रोल में रहना चाहिए, मुझे लगता है एक सीमित रोल के लिए पंडित जी नहीं बने हुए हैं, और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका जितने लोगों से आप जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक आप ईश्वर की आस्था या लोगों को जोड़ पाएंगे, और साथ साथ उतने ही लोगों को भी लाभ मिलता है कि गुरु का आशीर्वाद मिले। तो आम शब्दों में कहा जाए तो क्या मीरा भाईंदर की जनता को पंडित जी सेवा करेंगे आगे चल के? नहीं, मुझे लगता है ब्राह्मण तो जब आशीर्वाद दे दे वही सेवा है। तो राजनीतिक क्षेत्र से पंडित जी का मैं नहीं कहूंगी, वो आशीर्वाद देने के लिए, वो आशीर्वाद देंगे। मुझे नहीं लगता कि राजनीति में पंडित जी को वो सलाहकार सलाह देंगे, लेकिन राजनीति और पंडित जी का मुझे नहीं लगता कोई मेल है। मंदिर में कोई राजनीति नहीं होती है, भगवान के दरबार में कौन कौन सी पार्टी का है ये कभी मायने नहीं रखता। हमने भी मंदिर में देखा है हर पार्टी के लोग आते हैं और उतने ही मतलब उतने ही उत्साह के साथ सभी मतलब पूजा पाठ भी करते हैं और उत्साह पूर्वक उनके सारे कार्यक्रम भी होते हैं। तो मुझे लगता है मंदिर में राजनीति नहीं है। पंडित जी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? मेरा आप लड़वाना चाहते हो मुझे लगता है। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? मैम ने आपकी इतनी बड़ी तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि नारी यत्र नारियस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं अपने पिताजी से सीखा कि हमारे पिताजी अध्यापक रहे और उन्होंने शुरू से हमारे माता जी का और हमारे दादी का बहुत सम्मान करते थे। हमारे दादी वृद्धावस्था से लेकर कभी वो मतलब धोती नहीं धुलने देते थे जब तक वो रहीं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा शुरू मतलब जन्म से, हमारे ये परिवार से यही संस्कार रहा। तो नारी का सबसे बड़ा कि मैडम का जब ये नगर सेविका नहीं थी उसके पहले से हमारा पारिवारिक संबंध रहा, और सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी स्वार्थ में और मैडम का भगवान से या मंदिर से या मेरे से या जिससे जुड़ती है उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, ये सबसे बड़ी राजनीति में ये चीज़ है। और मैं यही भगवान से कामना करूँगा कि मैडम राजनीति क्षेत्र में और उस पद पर जाएँ और अच्छे कार्य करें। थैंक यू। देखिए, देव के पहले उनके पिताजी सुरेश गुरु ओझा जी जो कहे, जिनका नाम जैसा है यथा नाम तथा गुण, उसी प्रकार से उनके बच्चे जो हैं देव, उनका जन्मदिन आज, और छोटा बच्चा उसका नामकरण, उसका भी नाम शिवाय। शिवाय कह देने से मैडम भगवान शंकर का और पार्वती का दोनों का बोल होता है, तो इसके लिए उनका नामकरण जो रखा गया है वह पंडित जी ऐसा नाम रह सकते हैं। मैं दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके पिताजी आदरणीय श्री ओझा जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका इसी प्रकार से लोगों में लगाव बना रहे, लोगों में जोड़ने की जो शक्ति आपके अंदर है
कि हमेशा प्रफुल्लित रहे, हमेशा बनी रहे, क्योंकि आज समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा काम जो है आप कर रहे हैं। और यही चर्चा थोड़ी देर पहले हम मैडम और उपाध्याय जी कर रहे थे कि कैसे आपका यहाँ जुड़ाव हुआ। और देखिए, कोई मंदिर में किसी पुजारी का रहना, मंदिर में सेवा करना एक अलग बात है, लेकिन आपने वह करते हुए, उसका निर्वाह करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, शनिदेव की पूजा करते हुए आपने जो समाज को जोड़ने का एक काम किया है, वह बहुत ही आपका प्रशंसनीय कार्य है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, शनि भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका इसी प्रकार से लोगों के प्रति लगाव बना रहे, जुड़ाव बना रहे, और आपका जोड़ने का कार्य जो है वो इसी तरीके से बना रहे और करते रहिए। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपने हो जाएगा, मगर एक आशीर्वाद इसने ऐसा होता है, हम लोग का पारिवारिक जुड़ाव है, तो जाहिर सी बात है कि गिफ्ट आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता। गिफ्ट जो भी होता है दिया ही जाता है, उसमें वो बताने की बात नहीं होती, वो गुप्त रूप से रखा जाए तो अच्छा है। जय श्री राम, जय पर। आपका और पंडित जी का संगम कैसे हुआ? देखिए, हम धनातन धर्मी हैं और मीरा भाईंदर में 2004 में आए, और क्योंकि बगल में मैं रहता हूँ और सनातन धर्म को बहुत मानता हूँ, और राष्ट्रीय परशुराम सिन्हा का 14 साल से राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के लिए मैं काम करता हूँ, अन्य जाति के लिए भी काम करता हूँ, ब्राह्मणों के लिए काम करता हूँ। इनके अंदर जो व्यक्तित्व मैंने देखा, उम्र में बहुत छोटे हैं, छोटे भाई हैं, और मगर फिर भी हम लोग गुरु, क्योंकि हमारा संस्कार है, गुरु का सम्मान सब करते हैं, माता पिता हमको ये सम्मान दिए हैं क्योंकि उपाध्याय कुल का हूँ, और बगल हमारे भाऊ जी बैठे हैं, कमला शंकर उपाध्याय जी, सॉरी कमला शंकर मिश्रा जी। तो हम लोग का संस्कार रहा है कि हर ब्राह्मणों का सम्मान, छोटों का सम्मान, बड़ों का सम्मान। और ये व्यक्तित्व ऐसा है, क्योंकि हम लोग भी स्कैनर हैं, थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ करके करते हैं, हमारे साथ सब नहीं जुड़ पाते, और बड़े स्वाभिमानी भी हैं, इनको कोई कुछ भी कर देता है। इन्होंने बहुत लोगों को उभारा है, फिर भी लोग गरियाते हैं पीछे, उन लोगों को तो क्या कहूँ, शब्द नहीं है, बट ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ये कामना करूँगा। और ब्राह्मण के नाते हम लोग भाई प्रयाग और बनारस और जौनपुर में कोई अंतर तो है नहीं, आगरा हमारी बहन है आगरा की, तो जाहिर सी बात है हम सब एक परिवार के हैं। और ब्राह्मण के नाते और ब्रह्मणों के नाते हम साथ में सनातन धर्मी है, हर सनातन धर्मी हमारा भाई है, चाहे हिंदू हो चाहे जिस जात का।